पंखाजूर में नक्सलियों ने पूर्व जनपद अध्यक्ष के पिता व वर्तमान कापसी लैंपस के अध्यक्ष घस्सूराम उसेंडी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है घस्सूराम देवी की पूजा करने गए थे, तभी पीछे से नक्सलियों ने उन पर गोली चला दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कापसी लैंपस के अध्यक्ष घस्सूराम उसेंडी को मदले गांव में नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि घस्सूराम उसेंडी के परिवार के लोग पंचायती राज शुरू होने से अब तक सरपंच पद पर रहे हैं। एक साल पहले नक्सलियों द्वारा उनके साले को मेंढरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि उसेंडी मांदले गांव के पास देवी की पूजा के लिए गए थे, जिसमें इलाके के करीबन 500 से अधिक ग्रामीण शामिल हुए थे। इसी दौरान घस्सूराम उसेंडी पर पीछे से गोली चलाई गई। गोली की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना को अंजाम देने के बाद मौके से तीन युवक लाल सलाम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जंगल की ओर भाग गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है, जिसको देखते हुए इलाके में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। आज थाना बड़गांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदले, जहां पर कि घस्सूराम उसेंडी जो कि पूर्व सरपंच मंडा गांव है, वो नवाखाई खाने गए हुए थे। वहां पे नवा त्यौहार मनाते समय ही वहां पर ऐसी सूचना मिली कि अज्ञात नक्सली लोगों ने, क्योंकि संख्या में तीन थे, वो लोग आकर उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सर वर्दी में थे नक्सली? अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है प्रत्यक्षदर्शियों, परंतु उनको नक्सलियों ने गोली मारकर जंगल की ओर भागने की सूचना मिली है, जिस पर कि लोगों जिस पर कि अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।